आजकल 8-10 साल के बच्चे भी नशीले पदार्थों के आदि हो रहे हैं, और वो आदि होने के बाद में मालूम पड़ता है कि वो आदि हुए। सिगरेट, तंबाकू, वाइटनर, फिर स्पिरिट, पेट्रोल, ब्राउन शुगर, गांजा, ऐसे अलग अलग पदार्थ जो है, तो वो पदार्थों के आदि बच्चे होते हैं। और वो कौन से बच्चे ऐसे हो सकते हैं, वो हमें देखने के लिए आज का ये वीडियो है कि कौन से बच्चे ये पदार्थों के आदि हो सकते हैं। तो ये वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हम ये देखेंगे आज के ये वीडियो में कि 12 ऐसे कौन से सूत्र या पॉइंट्स है कि जो यदि बच्चों में है तो आपका बच्चा नशीले पदार्थों का आदि हो सकता है। ऐसे कौन से है? नंबर 1, कि बच्चों की स्वप्रतिमा कमजोर होना। बच्चों को माँ बाप ने पहले से तो गधा है, तेरे को अक्ल नहीं है, तेरे को समझता नहीं है, ऐसा यदि उसको बार 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 बोलते गए तो बच्चों को सच्ची लगता कि अपन गधे हैं और अपने को अक्ल नहीं है। उसकी स्वप्रतिमा बहुत कमजोर हो जाती है, सेल्फ एस्टीम कमजोर है। तो ऐसे बच्चे जल्दी ही आदि हो सकते हैं। नंबर 2, माँ बाप के साथ में कमजोर रिश्ते, मतलब माँ बाप के साथ में बैठना नहीं, उनके साथ में बातचीत नहीं करना, माँ बाप की बहुत धौस होना, बहुत ऐसा उसके पिताजी जैसे ऐसे हिटलर है, बहुत धौस है उनकी, बहुत डरा रहा है ऐसा कि डर लगता है उनके साथ में, रिश्ते अच्छे नहीं है। तो भी मतलब स्पेशली पिताजी के साथ में, तो ऐसे बच्चे बहुत डर डर के रहते हैं और वो दूर दूर तक चले जाते हैं माँ बाप से, और फिर वो आदि हो जाते हैं। नंबर 3, घर में संस्कार नहीं है। घर में संस्कार नहीं है, और जब घर में संस्कार नहीं रहते कि भाई अच्छा बुरा क्या है, खरा खोटा क्या है, और ऐसे संस्कार नहीं है कि भाई अपने धर्म में क्या बोला हुआ है, अपने घर की चाली रीति क्या है, चाल रीति मतलब कैसे चलन, चाल चलन कैसी है, लोगों ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, मतलब इस तरह के संस्कार बच्चों में नहीं है, और फिर वो जब संस्कार नहीं रहते तो बच्चे इसके आदि हो जाते हैं। नंबर 4 का पॉइंट जो है कि बच्चों में ये संवाद कौशल्य नहीं, जब कम बातचीत करने वाला बच्चा जो है उसके कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर है, और बच्चों को माँ बाप ज़्यादा बोलने देने, तू चुप बैठ, तेरे को अकल नहीं, तेरे को समझता नहीं, तू बच्चा है अभी, तू ज़्यादा बातचीत मत कर, मतलब ऐसा जब हो जाता है तो उसके कम्युनिकेशन स्किल कम हो जाते हैं, और फिर ऐसे बच्चों में पाया गया है कि वो आदि हो सकते हैं। नंबर 5 का जो पॉइंट है वो है अनुशासनहीनता, अनुशासन डिसिप्लिन नहीं है। माँ बाप में क्या होता है कि जैसे माँ बाप में या घर में दादा दादी होंगे तो उसमें पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट है कि कौन ज़्यादा लोकप्रिय है। बच्चे ने कुछ मांग लिया तो पिताजी उसको जल्दी दे देंगे, पिताजी ने नहीं बोला तो माँ दे देंगी, उनको लगता कि नहीं, अपन बच्चों को दे देंगे तो अपन बच्चों में प्रिय हो जाएंगे, और माँ बाप ने दिया नहीं तो दादा दादी वो दे देंगे, बोलेंगे नहीं नहीं बच्चा छोटा है उसको दे दो। फिर बच्चों को समझता नहीं है कि भाई शिस्त क्या है, डिसिप्लिन क्या है, और फिर किससे भी जाके अपन ने चिल्लाना चीखना चालू कर दिया तो फिर बच्चे किसी से भी जो चाहे वो हासिल कर लेते हैं, और फिर ऐसे स्थिति में बच्चे गलत फ़ायदा उठा के कब गलत लाइन पे लग जाएंगे मालूम भी नहीं पड़ता। 6वां पॉइंट जो है कि बच्चों को परिणामों की कल्पना नहीं है कि भाई ऐसे ये नशीले पदार्थ लेने के बाद में होता क्या है, इसलिए वो एक क्यूरियासिटी है, उत्सुकता है, वहाँ से फिर वो बच्चे लेते हैं और फिर उसके आदि हो जाते हैं। नंबर 7 का पॉइंट जो है वो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस उनमें नहीं है। फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस का मतलब ऐसा है कि उनको जब कोई भी चीज़ चाहिए तो उनको धीरज नहीं है। जब उनके मन में चाहत तैयार हो जाती है तो उनको वो चाहिए ही चाहिए और जल्दी चाहिए, क्योंकि बचपन से उनको ऐसी आदत लगाई हुई माँ बाप ने कि जो भी उन्होंने मांग लिया तो दे देते, मांग लिया तो दे दिया, मांग लिया तो दे दिया, फिर उनके पास में फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस धीरज नहीं है। जो बच्चों में ऐसा फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत कम है वो बच्चे नशीले चीज़ों की जल्दी आदि हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो 8वां पॉइंट है, स्कूल में असफलता। यदि बच्चा बार 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 स्कूल में फेल हो रहा है, बच्चे अपने उसके टीचर्स जो है उसको वो डांट रहे हैं, उसको बहुत टीचर की धौस है, बच्चों को स्कूल में कोई समझ नहीं आ रहा है, या बच्चों को बराबर दिखता नहीं आंखों से, उसको एक्चुअली चश्मा लगना चाहिए वो दिखता भी नहीं है, या उसको बच्चे और कुछ बहुत चिढ़ाते हैं और इसलिए बच्चा टालता है स्कूल में जाना, ऐसे तो वो असफल हो जाते हैं। फिर ऐसे बच्चे बाहर नशीले पदार्थों के आदि हो सकते हैं। 9वां पॉइंट यह है कि बच्चों का पढ़ाई में लक्ष्य केंद्रित नहीं होना। एक उसका कारण मेन है वो है हाइपर एक्टिविटी। बहुत ज़्यादा बच्चा हाइपर एक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा शोर करना, इधर से उधर कूदना, मतलब ऐसा किसको कुछ छेड़ना, छेड़खानी करना बच्चों की, एक जगह पे नहीं बैठना, तो ऐसे बच्चे जो है जो हाइपर एक्टिव है या जिनको अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर करके जो डिसऑर्डर होते हैं वो बच्चे भी फिर इसके आदि हो सकते हैं। 10वां पॉइंट यह है
इम्पल्सिव एंड अग्रेशन, मतलब जो बच्चा हिंसा करने के लिए प्रवृत्त होता है, ज़्यादा हिंसात्मक बिहेवियर है, जो आवेग में ऐसा इम्पल्सिवली फटाक से कुछ तो भी कर देते हैं, ऐसे बच्चे जो है वो नशीले पदार्थों के आदि हो सकते हैं। ग्यारहवा पॉइंट है कि जिनके जो बच्चों के माँ बाप दोस्त नहीं है, मतलब पार्टनरशिप नहीं है, उनका और पिताजी का रिश्ता टूटा हुआ है, माँ बाप का रिश्ता टूटा हुआ है, माँ बाप सेपरेटेड है ना, माँ बाप आपस में झगड़ा करते हैं, माँ बाप एक दूसरे से अलग रह रहे, या बच्चे माँ बाप से अलग रह रहे, तो उसमें भी ये पोटेंशियल एडिक्ट हो सकते हैं। ये बारहवा पॉइंट जो है रोल मॉडलिंग, आजकल बच्चे यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कोई फोटोज़ या वीडियोज़ आते हैं तो वो देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि ये हीरो या वहाँ के जो विलन्स जो है वो ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, और वो फिर वो कैसा डायलॉग मारते हैं, किस तरह का बर्ताव करते हैं, किस तरह का बड़प्पन बताते हैं कि ही मैन, कैसा ही मैन है, शराब पीता है, मतलब कैसा बड़ा मैन है, कैसा ही मैन है, ऐसा शो ऑफ करते हैं, तो वो उनके आइडॉल रहते हैं बच्चे, और फिर वहाँ से वो तुरंत उठा लेते हैं और वो अपना वो भी एक ट्रायल करके चालू कर देते बाहर, और माँ बाप को मालूम नहीं रहता। अब ये जो पॉइंट मैंने 12 बताया, ये 12 पॉइंट में से माँ बाप को हरदम दिमाग में रखना चाहिए कि भाई कौन से पॉइंट है वो उनको मालूम होना चाहिए, बच्चे में कुछ ऐसा डेवलप हो रहा है उनका ख्याल होना चाहिए, मतलब दिमाग के पीछे यदि 12 सूत्र जो है ये है कि नहीं भाई ये मेरे दिमाग में रहा तो मैं देखूंगा, मेरे दिमाग में तो मैं क्या देखूंगा बच्चों में, तो ये माँ बाप ने ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बच्चों के ऊपर ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ऐसा बोला जाता है, तो बच्चों को वो आदि होने के पहले ही उनको प्रिवेंशन कैसा किया जाता है या उनके उसके लिए क्या क्या करना चाहिए माँ बाप ने, उसके लिए स्टेप्स है, यदि हर माँ बाप देखता है उसका मतलब उसकी उसका रीडिंग करता है, उसके अपने दिमाग में रखता है, तो डेफिनेटली बच्चे नशीले पदार्थों के आदि नहीं होंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो आपका भी हाथ हमारे ये मिशन में लग जाएगा। हमारे यहाँ लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं, खुद होके भी पेशेंट को लेके आते हैं, और बिना रिलेटिव के भी लोगों को एडमिट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।